नामांकन से एक दिन पहले पीएम मोदी काशी की सड़कों पर रोड शो के लिए उतरे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं और वाराणसी के लोगों से पूरा का पूरा रास्ता ढक गया। चारों तरफ एक ही नाम और एक जैसा शोर सुनाई दे रहा था। रथ पर पीएम मोदी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ सवार थे। रास्ते में दोनों नेताओं पर फूलों की बारिश होती रही। पीएम मोदी कभी हाथ जोड़कर तो हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन करते नजर आए। पार्टी की बढ़त ही बढ़त है। दो चुनाव जो हुआ है 14 और 19 का, ये मोदी जी की लहर थी। इस बार मोदी जी की सुनामी बह रही है और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सीएम योगी के साथ रोड शो करके पीएम मोदी ने न सिर्फ वाराणसी से तीसरी बार जीत की हुंकार भरी है बल्कि पूर्वांचल की उन 26 लोकसभा सीटों तक भी संदेश पहुंचाया जहां कई जगहों पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। 2014 में बीजेपी गठबंधन ने पूर्वांचल की 26 में से 25 सीटें जीती थी लेकिन 2019 में बीजेपी को यहां झटका लगा और उसे 4 सीटों का नुकसान हुआ। हालांकि तब अखिलेश और मायावती एक साथ थे। अब बीजेपी न सिर्फ पूर्वांचल के सभी हारी हुई सीट वापस लाना चाहती है बल्कि सभी 26 सीटों पर विरोधियों को पटखनी देने के इरादे से मैदान में उतरी है। उसे यकीन है कि पूर्वांचल की जनता इस बार भरपूर साथ देगी। हर बिरादरी के लिए किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये इसी तरह खड़े उतरेंगे। मोदी जी जिंदाबाद। सब मोदी जी को अपना भाई मानती है, ना दूरी है ना खाई, मोदी हमारा भाई है। हमार काशी हमार मोदी, 400 बार हम लोग जाएंगे, 400 बार। नमः पार्वती पद हर हर महादेव की बार 400 बार। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इस वजह से भी अहम है क्योंकि यहां जातीय समीकरण काफी मजबूत माने जाते हैं। यही वजह है कि इस इलाके में बीजेपी पक्की तैयारी के साथ उतरती है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना द लेस लंबे समय से बीजेपी के साथ, संजय निषाद की निषाद पार्टी भी मोदी के साथ खड़ी है और पिछला विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर भी इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ है। हालांकि एक सियासी सच ये भी है कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन 2017 के मुकाबले 2022 में काफी बेहतर रहा था जिसने बीजेपी की चिंताएं बढ़ा दी। पूर्वांचल की 130 विधानसभा सीटों में बीजेपी गठबंधन को 2017 में जहां 102 सीटें मिली थी तो 2022 में यह आंकड़ा घटकर 77 पर आ गया और जो समाजवादी पार्टी 2017 में महज 17 सीटों पर जीती थी उसके गठबंधन ने 2022 में 48 सीट जीत ली। लेकिन जनता इस बार वोट डाल डाल के वोट इनका इलाज करने जा रही है। इनकी विदाई तय है। आप देखिएगा जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो बड़ी धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की विदाई होने जा रही है। पूर्वांचल की राजनीति में मुस्लिम वोटर भी काफी अहम है और पीएम मोदी के वाराणसी के रोड शो में मुस्लिम समाज के भी लोग बड़ी संख्या में नजर आए। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि इस बार बनारस में भी इंडिया गठबंधन का जादू चलेगा। इस बार मोदी जी को 100% हराएगी जनता, हराएगी काशी की जनता, महादेव का आशीर्वाद। 100% आप कह रहे हैं? कुल 1000% हराएंगे, 1000% हराएंगे, काशी की जनता हराएगी। अजय राय जो विड्रॉ कर देंगे ये बहुत ही जमकर की ये चर्चा में है। तो भाजपा के लोगों की इसका मतलब हवा खराब है। बनारस में एक बार चली थी आवाज, भागे रे हवा खराब हो, तो अब वो हवा लग रहा है कि भागे रे हवा खराब हो। कांग्रेस प्रत्याशी का दावा अपनी जगह है लेकिन सच यह है कि पिछले 2 बार से पीएम मोदी की वाराणसी से बड़ी जीत हुई है। 2014 में पीएम मोदी यहां से 3,71,000 वोटों के अंतर से जीते थे तो 2019 में उनकी जीत का अंतर 4,80,000 वोट के आसपास जा पहुंचा। हालांकि इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में है।